डक्की, कल ना तुम्हारे दोस्त ना मेरे तालाब पे आए थे पानी पीने। मैंने उनसे पूछा मेरा दोस्त डकली कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने दोस्त से मिलने गए हो। मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्त तुम्हारा कौन है? ए फ्रॉगी, इस तरह से मत बोलो। हाँ, वो भी तुम्हारी तरह मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हाँ, वो सभा में ना जिसमें मैं भाग लेता हूँ वहाँ मैं उसे पहली बार मिला, और जब मैंने उसे बात की ना तब मुझे पता चला कि उसके अंदर बहुत ही सारी चीजें हैं, और इसी वजह से मैं उसके घर पर उड़ कर गया। उसके घर गए? हाँ, इतना अच्छा दोस्त है तुम्हारा। ठीक है ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम तो बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल में तो बहुत सारे नाम है, उनमें से तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है डकली? हाँ, तुम मेरे दोस्त का नाम पूछ रहे हो? उसका नाम है योवान। योवान? हाँ? ए, यीशा पिता ने उन्हें बहुत सारे दर्शन दिखाए थे ना? हाँ हाँ, और इसी तरह से मेरे दोस्त योवान को भी बहुत सारे दर्शन प्राप्त हुए हैं, और बहुत सारे स्वर्गिक अनुभव भी। हाँ? हाँ? बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास क्या उसकी कोई फोटो है? अरे फोटो क्या, मैं तो उसका पूरा इतिहास लेकर आया हूँ, तुम्हें देखना अच्छा, है। अच्छा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कैसे बाहर कैसे निकल कर आ गई तुम्हारे सर से मेरे दोस्त को देखकर? डकली, जो तुमने कहा बिल्कुल सच है डकली, तुम्हारा दोस्त सही में बहुत महान है। तुम ये बताओ कि वैसे तुमको इतने अच्छे विशेष दोस्त कैसे मिल जाते हैं? हाँ, तुम्हारे दोस्तों में ही इतनी सारी चीजें होती है। पहले ही मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक सभा में भाग लेता हूँ। हाँ, और वो ही सभा में मुझे ऐसे नए दोस्त मिलते हैं। हाँ, ऐसा क्या? कौन सी विशेष सभा में जाते हो तुम? अगर मुझे बताओगे तभी मैं भी अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है वो सभा कौन सी है? वो है एंजल कुटीज। एंजल कुटीज? क्या है ये एंजल एंजल कुटीज? एंजल एंजल कुटीज नहीं, सिर्फ एंजल कुटीज। ठीक है ठीक है, तुम अपने दोस्त के विषय में मुझे ज्यादा बताओ ना। अरे मैं तुम्हें बताऊं से बेहतर है कि उसके मम्मी पापा तुम्हें बताए। हाँ, सुनने के लिए तैयार हो? प्रभु की स्तुति हो, मैं शिव दुरई, मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। इसका नाम है योवान और इसका नाम है नीला इरिन, और ये मेरी पत्नी सत्यप्रिया। मेरी पत्नी आपको योवान के विषय में बताएंगी। प्रभु की स्तुति हो। हेलो बच्चों, ये मेरे बच्चे हैं दोनों, ये योवान है और ये नीला इरिन है। मैं आपको योवान के जन्म के बारे में बताती हूँ। जब मैं योवान के साथ 6 महीने की गर्भवती थी तब मैंने प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मुझे एक बेटा होगा और मुझे उसका नाम योवान रखना होगा, और जैसे प्रभु ने कहा उन्होंने मुझे एक बेटा आशीर्वाद में दिया, और प्रभु के कहे अनुसार हमने उसका नाम योवान रख दिया। और जब योवान 3 साल का हो गया हमने उसकी बुलाहट के विषय में प्रभु से पूछा। एंजल टीवी में साधु भाई ने कहा है कि सबको अपनी बुलाहट के विषय में पता होना चाहिए, ऐसा कहा था, क्योंकि अंतिम दिनों में प्रभु सब बच्चों पर अपनी आत्मा उंडेलने वाले हैं, ऐसा प्रभु ने कहा है। इसीलिए हमने प्रभु को इसकी बुलाहट के विषय में पूछा, और जब उसका जन्मदिन पास आ गया था और वो 3 साल का होने वाला था, प्रभु ने कहा कि उसकी एक भविष्यवक्ता की बुलाहट है, और प्रभु ने कहा कि वो एक भविष्यवक्ता बनने वाला है। इसने हमारा नेतृत्व पवित्रता में किया है और हमें इसका आदर करना चाहिए क्योंकि ये एक भविष्यवक्ता बनने वाला है, और शुरुआत से ही
हम अपने दोनों बच्चे योवान और नीला आयरिन को बहुत ही आदर से बुलाते हैं और इसी तरह से प्रभु ने हमें और पवित्र कर दिया है। योवान जब 2 साल का था उस छोटी सी उम्र में उसने हर्निया और अपेंडिक्स जैसी बीमारियों का सामना किया। उस समय डॉक्टरों ने सलाह दी कि इसका ऑपरेशन किया जाना चाहिए, पर हमने इस विषय में प्रार्थना की और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया दोनों चीजों से किसी ऑपरेशन के बिना। प्रभु की स्तुति हो। फिर एक दिन युवान को पेट में दर्द होने लग गया तो हमने प्रभु से प्रार्थना की ये कहते हुए कि प्रभु आपने तो इसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था तो इसको ये समस्याएं फिर से कैसे आ सकती है प्रभु। तो प्रभु ने हमसे कहा कि इसके पेट दर्द को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो और इससे कहो कि ये एक संकल्प ले ले। मैंने प्रभु से पूछा कि किस तरह का संकल्प। प्रभु ने कहा कि उसे कोई भी कार्टून नहीं देखना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना है। और प्रभु ने कहा कि आगामी प्रभु का कवच एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में वो उसका अभिषेक करेंगे, ऐसा प्रभु ने हमसे कहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर एक तकलीफ हमें धार्मिकता की तरफ ले जाती है और मैंने हमेशा युवान को भी यही समझाया है और वो मेरी बात सुनकर अच्छा माँ ऐसा है कहता है और उसके बाद उसने प्रभु को अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया और कह दिया कि वो कभी भी कार्टून नहीं देखेगा। और एक हफ्ता उसके अपने आप को समर्पित करने के बाद उसने एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में भाग लिया जो 2017 में था और वो प्रभु के कवच के विषय में था। दूसरे या फिर चौथे दिन पर प्रभु के कहे अनुसार उसको अभिषेक प्राप्त हुआ। प्रभु की स्तुति हो। आज तक उसके अभिषेक प्राप्त होने के बाद कार्टून देखने के लिए, टीवी देखने के लिए या मोबाइल द्वारा कार्टून देखने के लिए उसको जरा भी प्रलोभन नहीं हुआ है। प्रभु ने ऐसा अभिषेक उसे प्रदान किया है और उसके लिए उनका धन्यवाद। उसी तरह से उसे प्रभु को सबसे बेहतर भेंट प्रदान करना बहुत अच्छा लगता है और वो प्रभु को बिना भूले भेंट प्रदान करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवान को गुस्सा बहुत पवित्र आता है। 3 वर्ष की उम्र से ही वो एंजल कुटीज के भविष्यवक्ता के शिविर में भाग ले रहा है और उसी समय से हम देख रहे हैं कि किस तरह प्रभु उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं अभिषेक में। खास करके उसे पवित्र क्रोध है और प्रभु के लिए भक्ति और बहुत ही उत्साह है। यदि प्रभु के विषय में कोई या उनके वचन के विषय में बुरी बात करता है उसका प्रभु का उत्साह जो है उसकी वजह से वो सवाल पूछने लगता है और उसे गुस्सा आ जाता है। और इसी तरह से यदि घर में कोई टीवी देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है या गाने सुन रहा है तो वो कहता है कि बंद कर दो, कहता है कि अपवित्र है और वो ये सब बातें अपने पवित्र क्रोध में बताता है और ये हमने उसी से सीखा है। और जैसे बचपन से प्रभु ने उसे योवान इस नाम से ही पुकारा है, वो बार बार वही गीत और वही पिक्चर देखता है जिसमें क्रूस के विषय में होता है, जैसे पैशन ऑफ द क्राइस्ट। और घर पर भी वो वही गेम खेलता है जिसमें प्रभु को क्रूस पे लटकाए जाने वाली बात होती है और उस पर वो ध्यान करता है। और इन सब चीजों से ही हमें समझ में आया है कि वो संतान हमें प्रभु ने प्रदान की है। हर साल गुड फ्राइडे के दिनों में 40 दिनों की उपवासी प्रार्थना होती है और उन दिनों में योवान बिल्कुल भी नॉनवेज खाना नहीं खाता है और वो हमारे साथ बैठकर 40 दिनों तक प्रार्थना करता है। प्रभु ने उसे इतना नियंत्रण दिया है इतनी छोटी उम्र में। प्रभु की स्तुति हो। योवान के दर्शनों के विषय में मैं अभी बताने वाली हूँ। हर सुबह शाम और रात हम साथ में प्रार्थना करते हैं और फिर सोने जाते हैं, प्रार्थना करके ही सोते हैं। प्रार्थना के वक्त वो अपने दर्शनों के विषय में बताता है क्या उसने देखा है और उसका हर एक दर्शन जो वो बताता है वो हमारे परिवार के विषय में ही होता है। प्रभु उसे दिखाते हैं कि आगे क्या होने वाला है हमारे परिवार में और उससे हमारा मार्गदर्शन होता है और हम माँ बाप की तरह हमें पता चलता है कि हमें किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है और हमें क्या क्या करना है और किस तरह से हमें हमारे परिवार की रक्षा करनी है। कई बार जब मैं बहुत थक जाती हूँ या मेरी प्रार्थना कम पड़ जाती है, प्रभु इसके दर्शनों के द्वारा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। एक बार उसने कहा कि मम्मी, हमने अपने घर की बालकनी में यीशु पिता को सिंहासन पे बैठे हुए देखा और उनके दोनों तरफ योद्धा थे, भाला लेकर खड़े हुए थे। और बहुत बार मुझे लगता है कि प्रभु इसके द्वारा प्रकट करते हैं अपने आप को, पर मैं थक जाती हूँ तो मैं प्रभु से कहती हूँ कि मैं उनकी स्तुति अकेले करना चाहती हूँ और उसके बाद मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और इसी तरह से जब हमारी सुरक्षा की प्रार्थना में हम कुछ भूल जाते हैं तो
उस समय योहान अपने दर्शन में देखता है जब हम सो जाते हैं, और वो बताता है कि वो शैतान को एक विशेष रूप में देख रहा है। तुरंत ही प्रभु उजागर करते हैं मुझे कि मुझे इस तरह से प्रार्थना करनी है मेरे बच्चों को बचाने के लिए। और अब तक प्रभु उसे दर्शन दिखा रहे हैं हमारे परिवार के विषय में ही, हमारे परिवार के विषय में ही। मैं मानती हूँ कि प्रभु हमें एक परिवार की तरह इस्तेमाल करेंगे चर्चों के विषय में, हमारे समाज के विषय में और हमारे देश के विषय में, और हमें क्या कार्य करने हैं। योहान को उसके दर्शनों में प्रभु उजागर करेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है कि प्रभु उसे उजागर करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। जब योहान 4 साल का था तब वो बहुत ही आत्मिक चीजों के बारे में हमसे बात किया करता था, और वो बहुत सारी बातें किया करता था हम लोगों से आत्मिक चीजों के विषय में। ये हमेशा सकारात्मक रहा है। मैं और मेरी पत्नी जब भी कभी किसी स्थिति में एक दूसरे से कुछ बुरा बोलते हैं तो फिर ये हमारे बीच आता है और हमें एक बहुत ही समझदार इंसान की तरह समझाता है, जैसे कि हमारे अभिभावक हो, और बहुत ही शांति से ये पूछता है कि परेशानी क्या है, और हम इसे परेशानी बताते हैं क्योंकि हम इसे एक छोटा बच्चा नहीं मानते। ये हमसे बार बार पूछते रहता है और कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, और वो हमें कहता है कि हमें ऐसी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। और 4 साल से ही ये हमारे सामने इस बात को उजागर करता आ रहा है। मुझे भी महसूस हुआ, हमने इससे बहुत सारी चीजें सीखी है और हमारे बच्चे ने हमें सिखाई है। हमने सीखा है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि टीवी देखते समय भी, जब मैं पहले टीवी देखा करता था तो मैं चैनल चेंज करता था, उसी समय से योहन्ना हमसे कहता आ रहा है कि हमें उसे नहीं देखना चाहिए। ये बार बार हमसे कहता है। हम अधिकतर वही देखते हैं जो योहन्ना को पसंद है, और मुझे स्पोर्ट्स पसंद है और योहन्ना मुझे वो देखने देता है। जब हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, और इसके अंदर ड्रॉइंग की प्रतिभा है, मेरे अंदर और मेरी पत्नी के अंदर भी ड्रॉइंग की कोई प्रतिभा नहीं है। इसकी आंटी ने इसे थोड़ा सिखाया है, पर प्रभु के अनुग्रह से ये कुछ चीजें बनाता है। यहाँ तक कि बिना किसी संदर्भ के इसके अंदर इतनी बुद्धिमता है। यहाँ तक कि जब हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तब भी ये पूरे यात्रा में सिर्फ आत्मिक गीत ही सुनता है, प्रभु यीशुआ के गीत सुनता है। ये उसी में खुशी मिलती है इसे, और हम ये सारी चीजें इसी से सीखते हैं। बचपन से ही इसके अंदर सीखने की प्रतिभा और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। प्रभु यीशुआ ने इसे अनुग्रह प्रदान किया है कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सके। एक बार हम लोग होटल गए थे खाना लाने के लिए, वहां बैठकर हम अपने पार्सल का इंतजार कर रहे थे। ये भी वहां बैठा हुआ था, और इसके ठीक सामने की तरफ एक आदमी बैठा था। वो एक ब्राह्मण था और वो खाना खा रहा था। उसने इससे पूछा कि क्या तुम नहीं खा रहे हो, तो इसने कुछ भी नहीं बोला, बस इसने अपना सर हिला दिया। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों से इशारा करके भी पूछा, पर फिर से इसने अपना सर हिला दिया। फिर उसके बाद उसने पूछा कि कब खाया इसने, तो इसने इशारों में ही कह दिया कि ये खा चुका है। तो उसने पूछा कहाँ खाया, तो इसने इस तरह से करके उसे इशारा किया, घर पे, घर पे। और फिर उसके बाद उसने और भी कई सवाल पूछे, और फिर उसके बाद इसके उत्तरों से वो प्रेरित हो गया। उसके बाद वो योहाना से विशेष तरीके से बात करने लगा। उसने पूछा कि वो कहाँ से है और बाकी ऐसी सारी चीजें। फिर उसने कहा कि ये बहुत ही होशियार है, ऐसा कहा उसने, और ये भी लोगों के हिसाब से ही उनको जवाब देता है उन्हें समझ कर। उसने कहा कि जब हम दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि तुमने खाया कि नहीं, तो वो ऐसे शर्माते हैं और या फिर कुछ भी नहीं कहते हैं, पर ये बच्चा उनके सवालों के हिसाब से जवाब दे रहा है। और ठीक इसी तरह ये बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है। बहुत से जगहों पर इसने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। ये फिर अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, पर वो फिर भी सबसे आदर से बात करता है क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशुआ के लिए उत्साह है। ये बहुत ही ज्यादा मानता है प्रभु यीशुआ को, प्रेम करता है उनसे, और उनके लिए इसके अंदर बहुत उत्साह है। ये दूसरे बच्चों की मदद भी करता है, उनके साथ ये खेलता है और उन्हें खिलौने भी देता है। ये अगर वो बच्चे खिलौने ले जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है, और उन बच्चों को ये खिलौने दे देता है ले जाने के लिए, और ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है।
ये उनसे लड़ाई भी नहीं करता है, लड़ता भी है तो हमारी तरफ देखता है। जब हम इसके साथ होते हैं, अगर कोई इसे मार भी दे तो ये मेरी तरफ या अपनी मम्मी की तरफ देखता है। अगर हम इसे कोई चीज करने के लिए मना करते हैं तो ये शांत हो जाता है, चाहे ये गुस्से में हो या इसका चेहरा गुस्से से भरा हो, फिर भी ये तुरंत हंसने लगता है। और इसी तरह से हमने इसमें ऐसे कई सारे बदलाव देखे हैं और हमने इससे बहुत सारी चीजें सीखी भी हैं। कभी कभी मैं ऑफिस का टेंशन लेकर घर पर आता हूँ गुस्से में बहुत ही, और मेरे दोनों ही बच्चे घर के सोफे पर या उसके आसपास मेरा इंतजार कर रहे होते हैं, और ठीक उसी समय जब दरवाजा खुलता है दोनों आकर मुझसे लिपट जाते हैं। कभी कभी मैं थका हारा रहता हूँ और मुझे प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती तो ये दोनों मुझे प्रार्थना करने ले जाते हैं और मुझसे बाइबल पढ़ने को कहते हैं, मेरे दोनों बच्चे। और योहाना हमेशा चाहता है कि हम सभी एक साथ बैठे और मिलकर हम खाना खाएं एक साथ। ये बहुत ही समझदारी भरा बर्ताव करता है और ये हमारे परिवार में एकता चाहता है। यहाँ तक कि जब मैं काम से थका हुआ घर पर आता हूँ, हमें योहन्ना के द्वारा सहभागिता के बारे में पता चला है। योहन्ना हमारे लिए सचमुच विशेष है, बहुत खास है। पिता ने उन्हें वो नाम दिया। ठीक है ठीक है, तुम्हारा दोस्त मुझसे बात नहीं करेगा क्या? मेरा दोस्त? चलो देखो वो क्या समझा रहा है उसके सब दर्शनों और स्वर्गिक अनुभवों के विषय में। ध्यान से सुनना हाँ फ्रॉगी। लेकिन माफ करना, मैंने ना कोई भी स्वर्गिक या फिर कोई खास अनुभव प्राप्त नहीं किया है, तो मैं बहुत ध्यान से देखूंगा। कहाँ है ये देखे? Vision number one. हाय दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु ने जो मुझे दर्शन दिखाए हैं वो सुनाऊं क्या? पहले दर्शन में यीशु पिता ने मुझे कुछ बादल दिखाए और वहां से एक सफेद घोड़ा आ रहा था। सफेद घोड़ा दोस्तों, और उसके ऊपर एक स्वर्गदूत जैसे दिखने वाला बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक तलवार थी दोस्तों। उस बादल के बगल वाले बादल पर एक काला घोड़ा आया दोस्तों। उस घोड़े पर कोई बैठा जिसके हाथ में एक भाला था, और उसके पास वाले बादलों पर एक लाल घोड़ा आया दोस्तों, और कोई उस घोड़े पर चढ़ा। उसके हाथों में कुछ भी नहीं था। विजन नंबर टू। दोस्तों, यीशु पिता के दिए हुए दूसरे दर्शन में मैंने शैतान को देखा। वो एक जोकर के जैसा दिख रहा था और उसने वैसे ही कपड़े पहने थे। उसका मुंह लंबा था और लाल रंग का था, और उसकी जो नाक थी वो भी लाल रंग की थी दोस्तों, और उसकी जो आंखें थी वो गहरे लाल रंग की थी। ऐसा लग रहा था कि वो शैतान था दोस्तों। उसे देखने के बाद मैंने मम्मी को बताया और मम्मी ने कहा कि वो मजाक और मस्ती करने वाली आत्मा थी। फिर हमने उसके विषय में प्रार्थना की और उसका नाश कर दिया। विजन नंबर थ्री। दोस्तों, ये शपिता का दिया हुआ मेरा तीसरा दर्शन है। जब मैं और मम्मी प्रार्थना कर रहे थे और हम लोग हमारे हॉल में आए, तो मैंने शैतान को औरत के रूप में देखा। उसके बाल ना ढीले थे और वो इस तरह से यहाँ पर खड़े हो गए थे दोस्तों, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिंह है, और मैं उसे सिर्फ पेट तक देख पा रहा था।
उसके हाथ में एक गोल पृथ्वी जैसा कुछ था और उसके कुछ बाल आगे इस तरह से आए और वो देखकर मैं डर गया था। तो मैंने तुरंत मम्मी से बताई ये बात, तो मम्मी ने कहा कि वो इजेबेल की आत्मा थी जो भविष्य वक्ताओं को डराती है दोस्तों। और उसके बाद हमने उसको बांध दिया और हमने यशा पिता से प्रार्थना की और उन्होंने उसका नाश कर दिया। दोस्तों क्या मैं चौथा दर्शन सुनाऊं आपको? चार सीट का एक सोफा था, उस पर चार शैतान बैठे हुए थे और उस जगह के बीचों बीच एक चाय का टेबल था और वहां पर चाय के कप भी थे, कुछ कप में कॉफी भी थी और वहां पर बिस्किट भी थे। उस सोफा के पास एक सिंगल सीट का सोफा भी था। कुल मिलाकर पांच सीट थी और पांचवी सीट पे शैतान बैठा और चार सीट के सोफे पर चार शैतान बैठे। वो चारों शैतान बात कर रहे थे और फिर उस घर का मालिक आया तो सब पिशाच जो थे वो चाय कॉफी को धक्का मार कर चले गए। दोस्तों इससे मैंने ये सीखा कि यीशु पिता हमारे दिल के और दिमाग के मालिक है, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए, हमारे अंदर की गलतियां और अशुद्धियां निकाल लेनी चाहिए। विजन नंबर 5। दोस्तों ये मेरा पांचवा दर्शन है। जब मैं बालकनी में खेल रहा था तब मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जिसके पंख थे और वो पंख बहुत ही प्रकाशित थे। उन्होंने वो कवच की पोशाक पहनी थी। दोस्तों ये मेरा छठा दर्शन है। यीशु पिता थे और उनके दोनों तरफ स्वर्गदूत थे जिनके पंख थे। ये दृश्य मैंने पीछे से देखा था, यीशु पिता सिंहासन पे बैठे थे। फिर जब मैंने आगे से देखा दृश्य तो मैंने उनका चेहरा देखा और वो प्रकाशित था। तो दोस्तों ये मेरा आखिरी दर्शन था। डकली, तुम्हारे दोस्त के पास तो कितना महान और कितना विशेष अभिषेक है ना, सच कहा ना मैंने? हाँ 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 फ्रॉगी, अगर तुम्हें भी ये पाना है ना तो तुम्हें अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, 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 तुम्हें पता है कि इसकी तरह मुझे भी स्वर्गिक दर्शन और अनुभव प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत इच्छा है। डकली अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे दोस्त को मिला। हाँ 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 ठीक है। मैं तुम्हें अपने दोस्त के विषय में एक और बात बताना भूल गया। उसके पास ना एक बहुत ही विशेष गुण है। विशेष गुण? इसका मतलब क्या है? तुमको इसका मतलब नहीं पता? मेरा दोस्त है ना, वो तुम्हारी तरह ऐसे ही नहीं बैठा रहता घर में। तुम तो अपने दोस्त को लेकर घूमने चले जाते हो लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ए, डकली तुम मेरे बारे में ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हो? पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मेरा दोस्त ना यहाँ के पड़ोस के, वहाँ के पड़ोस के, उधर के पड़ोस के सब बच्चों को बुलाकर साथ में प्रार्थना करता है। हाँ, और वो ना उन्हें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये भी सिखाता है। इसीलिए तुमने मुझे इस तरह से डांट लगाई? हाँ, अरे रे, मुझे ना यीशु पिता के बारे में अच्छे से पता है।
पर क्या मैंने कभी अपने दोस्तों को उनके विषय में बताया? क्या उनके साथ प्रार्थना की? हाँ छह, ये तो मैंने योवान से सीखा। हाँ आज के बाद ना मैं जो भी मेरे स्कूल के दोस्त हैं और जो लोग मेरे तालाब पर पानी पीने आते हैं, मैं उन सबको यीशु पिता के बारे में बताऊंगा। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही हैंडसम है और उसके पास बहुत सारे विशेष गुण भी है। हाँ विशेष गुण है और उसके पास विशेष अभिषेक भी है ताकि वो स्वर्गिक दर्शन देख सके। बहुत से दर्शन देखता है वो, पर मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अरे फ्रॉगी, क्या है डकली? तुम ये सब चीजों के बारे में बुरा क्यों मैसेज कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त योहाना ना, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला है और इन सब दोस्तों के लिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करेगा। सुनो, तुम भी साथ में प्रार्थना करोगे? हाँ, मैं भी उसके साथ प्रार्थना करूँगा। दोस्तों क्या आप सब तैयार हो? सिर्फ देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है। चलो हमारे दोस्त के साथ प्रार्थना करें। दोस्तों क्या आप सबको मेरे दर्शन अच्छे लगे? आप भी मेरी तरह दर्शन पाना चाहते हो? चलो प्रार्थना करें। जब वेले, प्रेयर टाइम। यीशु पिता, बहुत से जो बच्चे हैं ना यीशु पिता, वो दर्शन नहीं प्राप्त कर रहे। यीशु पिता उनको दर्शन दीजिए। यीशु पिता उनको अंतिम दिनों का अभिषेक प्रदान कीजिए। यीशु पिता कोई भी उसे प्राप्त किए बिना नहीं जाना चाहिए। यीशु पिता उनको अपनी इच्छा के अनुसार यीशु पिता बुलाहट प्रदान कीजिए। यीशु पिता ताकि वो लोग भविष्यवक्ता, शहीद और योद्धा बन सके। यीशु पिता उनकी रक्षा कीजिए और उनका मार्गदर्शन कीजिए। उनकी आत्मिक आँखें खोलिए यीशु पिता उनको दर्शन दिखाई देने चाहिए। यीशु पिता अंतिम दिनों के बच्चे शैतान को पहचान सके और उसका नाश कर सके आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। वाह वाह, मैंने अपने दोस्त के विषय में सब कुछ बता दिया है और तुम्हें भी इस तरह रोज प्रार्थना करनी चाहिए। अच्छे से प्रार्थना करनी चाहिए और अच्छे से बाइबल भी पढ़नी चाहिए क्योंकि यीशु पिता बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं। ठीक है ना? हो, तुम्हारे दोस्त के द्वारा मुझे सब पता चल गया डकली। ठीक है, मुझे अभी दूसरे दोस्तों से मिलना है और उनके विषय में जानकारी, उनका इतिहास, उनके विशेष गुण और सब स्वर्गिक अनुभव इकट्ठे करने हैं। तो मुझे जाना है। बाय बाय। बाय डकली। को भी कोई आत्मिक अनुभव हुआ है तो उनके बारे में और उन्हें हुए दर्शन के बारे में हमें आप लोग जल्द से जल्द लिखकर भेजिए। हमारा पता है एंजल कुट्टीज, एंजल टीवी, विल्ली बक्कम, चेन्नई 49, तमिलनाडु, इंडिया। हमारी ईमेल आईडी है angel.kutties@angeltv.org।